हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास स्टैंडर्ड फोर्थ। टुडे वी आर स्टडीइंग चैप्टर 7, मैजिकल पावर। तो इसका मैजिकल मीन्स जादुई, पावर मीन्स शक्ति, तो जादुई शक्ति। इन दिस चैप्टर वी शैल रीड हाउ अ मैन गॉट ऑल द मैजिकल पावर्स। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक आदमी किस तरह जादुई शक्तियाँ पाता है, यानी एक आदमी को सारी जादुई शक्तियाँ किस तरह मिल जाती हैं। मोहन, मोहित एंड लखन वर ब्रदर्स। दे वर वेरी पुअर, सो व्हेन दे ग्रू अप दे डिसाइडेड टू गो आउट इन द वर्ल्ड टू अर्न मनी। मोहन, मोहित और लखन क्या थे? भाई थे। और दे वर वेरी पुअर, तो वो कैसे थे? बहुत पुअर यानी गरीब थे। सो व्हेन दे ग्रू अप यानी जब वो बड़े हुए, दे डिसाइड टू गो आउट इन द वर्ल्ड, तो उन्होंने संसार में क्या है घूमना शुरू किया। किस लिए? पैसे कमाने के लिए, यानी वो पूरे संसार में घूमने यात्रा पर निकले ताकि वो पैसे कमा सकें। दे वॉक टुगेदर फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। वो काफ़ी दूरी तक एक साथ चले, यानी तीनों भाई थे, तीनों संसार की यात्रा पर निकले, तो तीनों क्या है काफ़ी देर तक एक साथ चलते रहे। एंड सॉ अ माउंटेन ऑफ सिल्वर, तभी उन्होंने क्या देखा? एक चांदी का पर्वत देखा। मोहन सेड लेट अस टेक सम सिल्वर फ्रॉम दिस माउंटेन एंड रिटर्न होम। तो मोहन ने कहा लेट अस टेक सम सिल्वर यानी चलो कुछ चांदी ले लेते हैं फ्रॉम दिस माउंटेन, इस पर्वत से कुछ चांदी क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, एंड रिटर्न होम और घर वापस चलते हैं। यानी ये तीन भाई थे मोहन, मोहित एंड लखन, तो उसमें से एक भाई बोला मोहन कि जो जब उन्होंने एक चांदी का पर्वत देखा तो उसने कहा कि हम इसमें से चांदी ले लेते हैं और अपने घर वापस चलते हैं क्योंकि हमें अब इतने पैसे मिल गए हैं कि हम आराम से रह सकते हैं। मोहित एंड लखन लाफ्ड एट हिम एंड टोल्ड हिम वी शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद दिस। तो जो मोहन और लखन उसके दोनों भाई थे वो क्या है उस पर हंसने लगे और कहने लगे हम अभी इससे खुश नहीं हैं, यानी अभी हमें खाली क्या चांदी का पर्वत ही नहीं चाहिए, मतलब और भी ज़्यादा अधिक चाहिए। तो क्या है वो दोनों उस पर हंसने लगे। वी हैव टू गो फर्दर, मोहन डिड नॉट एग्री टू दिस एंड टुक एज मच सिल्वर एज ही कुड एंड रिटर्न होम। तो उन्होंने कहा दोनों भाइयों ने, मोहित और लखन ने, कि हम आगे चलते हैं शायद हमें आगे कुछ और अच्छा मिल जाए, लेकिन जो मोहन था वो इस बात से सहमत नहीं हुआ और वहाँ से चांदी लेकर यानी उस पर्वत से चांदी लेकर घर वापस आ गया। मोहित एंड लखन हैड टू क्रॉस सेवरल माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट। तो जो मोहित और लखन थे, यानी मोहन तो घर वापस आ गया था लेकिन मोहित और लखन क्या है आगे बढ़ गए थे, तो वो कई सारे पर्वतों को पार करते हुए जंगल में आगे जा रहे थे। एट लास्ट दे रीच्ड अ माउंटेन विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड। और अंत में जाकर वो कहाँ पहुँचे? एक ऐसे पर्वत पर जो क्या है सोने से का बना हुआ था। मोहित सेड टू लखन This is the mountain of gold. Let us take as much as gold we want and return home. अब क्या है वो एक सोने के पर्वत के पास पहुँचे तो मोहित ने लखन से कहा कि ये पर्वत कैसा है, सोने का है, तो चलो जितना चाहो उतना सोना ले लो और घर वापस चलते हैं हम। We would live be एज वेल्थी पीपल, और हम कैसे रहेंगे, एक धनी लोगों की तरह रहेंगे। यानी अब उन्हें क्या मिल गया था, गोल्ड मिल गया था, तो वो क्या कह रहे थे कि हम धनी लोगों की तरह रहेंगे, चलो घर वापस चलते हैं। बट लखन सेड दैट ही वॉज नॉट सेटिस्फाई। अब जो तीसरा भाई था लखन
उसने कहा कि मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, यानी मुझे अभी और चाहिए। सो मोहित रिटर्न होम विथ अ लॉट ऑफ गोल्ड। तो जो मोहित था दूसरा भाई, वो मतलब तीन भाई थे, पहले एक मोहन था जो चांदी लेकर चला गया था, दूसरा भाई जो मोहित है उसको गोल्ड मिला, गोल्ड का पर्वत मिला, तो मोहित जो है गोल्ड लेकर वापस अपने घर लौट गया। अब जो तीसरा भाई था लखन, वो रह गया था। लखन वॉक फर्दर, लखन आगे बढ़ता रहा। द फॉरेस्ट हैड टू क्रॉस वॉज वेरी बिग, और जो जंगल था वो काफ़ी बड़ा था। आफ्टर दैट देयर वॉज ए बिग माउंटेन, एंड आफ्टर क्रॉसिंग मैनी माउंटेन एंड फॉरेस्ट ही केम टू अ वेरी डार्क फॉरेस्ट। वहाँ पर बड़े बड़े पर्वत थे और कई सारे पर्वतों को पार करने के बाद जंगल थे, और जंगलों को पार करता हुआ वो आगे बढ़ रहा था, और फिर वो जाकर एक घने जंगल में पहुँचा। ही क्लाइम्ड ऑन ए ट्री टू सी वेदर देयर वॉज एनी सिटी नियर बाई। अब वो क्या है, जब वो घने जंगल में पहुँचा तो उसने क्या है, एक पेड़ पर वो चढ़ा ये देखने के लिए कि क्या कोई आसपास कोई शहर है या नहीं। ऑन द ट्री ही सॉ अ टेबल क्लॉथ। तो जब वो पेड़ पर चढ़ा तो उसने पेड़ पर एक टेबल क्लॉथ देखा, यानी मेजपोश, यानी जो मेज पर बिछाने का कपड़ा होता है उसने वो देखा, उस पेड़ पर लटका हुआ था। ही टुक द टेबल क्लॉथ एंड क्लाइम डाउन। तो वो क्या है, उस मेज के कपड़े को लेकर नीचे उतरा। देन ही थॉट दैट इफ ओनली ही हैड गुड फूड ही वुड नॉट फील टायर्ड। तब उसने क्या सोचा कि यदि उसे क्या है अच्छा खाना ही मिल जाएगा तो वो क्या है थकान महसूस नहीं करेगा। देन अ टेबल अपीयर बिफोर हिम, यानी वो ये सोच ही रहा था कि अगर यदि उसे इसी वक्त वो खाना अच्छा मिल जाए तो क्या उसकी थकान दूर हो जाएगी। तभी क्या हुआ, एक टेबल उसके सामने आई। हिज टेबल क्लॉथ स्प्रेड ऑन दैट टेबल, और उसके हाथ में जो टेबल क्लॉथ था यानी जो मेज का कपड़ा था वो क्या है उस टेबल पर जाकर फैल गया, यानी बिछ गया। वेरी गुड एंड टेस्टी फूड अपीयर्ड ऑन द टेबल, और बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना उस टेबल पर प्रस्तुत हुआ। ही एट एज मच एज ही कुड एंड स्टार्टेड वॉकिंग फर्दर, और उसने जितना खा सकता था उतना खाया और फिर आगे चल दिया विथ हिज टेबल क्लॉथ, अपना जो टेबल क्लॉथ था उसको लेकर आगे चल दिया। यानी उसके सामने जो मेज पोस्ट था वो क्या था, जादुई था। तो जैसे ही उसने खाने की इच्छा प्रकट की तो वो अपने आप ही क्या है बिछ गया, और वहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना आ गया, और उसने पेट भर के लखन ने पेट भर के खाना खाया और फिर आगे बढ़ गया। इन द नेक्स्ट सिटी ही सॉ अ पुअर ब्लैक स्मिथ। व्हेन लखन मेट हिम द ब्लैक स्मिथ ऑफर्ड हिम टू चपातीस। जब वो अगले शहर में गया तो उसने एक गरीब लोहार को देखा, तो उसने जब वो उस लोहार से मिला, द ब्लैक स्मिथ ऑफर्ड हिम टू चपाती, तो जो लोहार था उसने उसे दो चपाती यानी दो रोटियां दी। लखन टोल्ड हिम आई कैन गिव यू गुड एंड टेस्टी फूड। देन ही टुक हिज ब्लैक क्लोथ टेबल क्लोथ एंड विस्ट फूड फॉर टू पीपल। अब लखन ने उस ब्लैक स्मिथ से जब जो लोहार था उसने उसको दो रोटियां दी लखन को, तो लखन ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना ला सकता हूँ, यानी तुम्हें दे सकता हूँ। तो उसने तभी क्या है अपना जो टेबल क्लॉथ था वो निकाला और उसे बिछाकर दो लोगों के खाने की इच्छा प्रकट की। ऑल शॉर्ट ऑफ नाइस फूड अपीयर्ड ऑन द टेबल, और टेबल पर जल्दी ही क्या है बहुत ही अच्छा खाना प्रस्तुत हुआ। द ब्लैक स्मिथ एट एवरी थिंग एंड टोल्ड लखन, तो जो लोहार था उसने सब चीज़ खाई यानी बहुत ही अच्छा खाना खाया,
और लखन से बोला, इफ़ यू गिव दिस टेबल क्लॉथ टू मी आई विल गिव यू अ मैजिक बैग। तो उसने लखन से क्या कहा, यदि तुम मुझे ये टेबल क्लॉथ दे दोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैजिकल बैग दूंगा, एक मैजिकल जादुई बैग दूंगा तुम्हें। लखन वांटेड टू टेस्ट द मैजिकल बैग। तो लखन ने क्या है कहा कि मुझे ये मैजिकल बैग कैसा है ये दिखाओ, यानी उसका टेस्ट किया, जांच की। द ब्लैक स्मिथ टुक द मैजिकल बैग एंड टैप्ड ऑन इट वंस। तो जो लोहार था उसने मैजिकल बैग लिया, निकाला और उस पर एक बार टैप किया। टेन वेरी स्ट्रॉन्ग मैन विथ हॉर्स बोज एंड एरोज अपीयर एंड आस्क द ब्लैक स्मिथ, मास्टर व्हाट कैन वी डू फॉर यू। तभी क्या है, जैसे ही उस लोहार ने उस बैग पर टैप किया तो क्या हुआ, 10 बहुत ही ताकतवर आदमी अपने घोड़े तीर और धनुष के साथ प्रस्तुत हुए और लोहार से पूछने लगे, मालिक व्हाट कैन वी डू फॉर यू, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ब्लैक स्मिथ रिप्लाइड, एट प्रेजेंट नथिंग एंड ऑल दोज मैन वैनिस्ड। लखन गेव द टेबल क्लॉथ टू दैट ब्लैक स्मिथ एंड टुक द बैग फ्रॉम हिम। तो जो लोहार था उसने कहा कि अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करना है। तभी जो सारे आदमी थे वो क्या है, गायब हो गए और लखन ने टेबल क्लॉथ उस लोहार को दे दिया, उसके बदले में उसने बैग ले लिया उससे, यानी जो बैग था वो भी क्या है, जादुई था और टेबल क्लॉथ भी जादुई था। तो लोहार ने क्या किया, बैग के बदले में उससे टेबल क्लॉथ ले लिया और लखन ने अपने जो मेज पोस था उसके बदले में बैग ले लिया। और उस बैग में क्या था जादुई, कि जब भी उसे कोई टैप करता था तो 10 बहादुर आदमी अपने घोड़े तीर और धनुष के साथ प्रस्तुत होते थे और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे।